नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का हर शो अपने अंदाज के कारण लोगों के बीच में इंटरेस्टिंग छाप छोड़कर जाता है। हर शो इसका काफ़ी दिलचस्प होता है और इस बार जो टेलीकास्ट किया गया वह भी काफ़ी दिलचस्प शो रहा। इस बार के शो में एक पान बेचने वाला कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने में कामयाब हो जाता है। कंटेस्टेंट के जीवन संघर्ष इतने मार्मिक और जीवंत होते हैं जिसे सुनकर हर ऑडियंस की आंखें नम हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन भी इसके मुरीद हो जाते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको पान वाले के बारे में बताएंगे, तो आखिर तक हमारा यह वीडियो देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों, जो KBC का शो आज दिखाया गया उसमें एक पान की दुकान चलाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालने वाले द्वारिकाजीत मंडले KBC की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठते हैं। पान खिलाकर लोगों के जीवन में मिठास लाने वाले मंडले अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। द्वारिकाजीत मंडले महाराष्ट्र में पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। इसी दुकान से उनका और उनके परिवार का पेट भरता है। जी हाँ दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन उनसे पहला सवाल पूछते हैं और वह जीत जाते हैं, सही जवाब दे देते हैं जिसके इनाम की राशि होती है 1,000 रुपये, तब वह कहते हैं कि यह मेरे 5 दिनों की कमाई है। यानी द्वारिकाजीत मंडले 200 रुपया पर डे कमाते हैं और उनके 5 दिन की कमाई 1,000 रुपये होती है, जो कि वह पहले सही सवाल का सही जवाब देकर हासिल करते हैं। द्वारिकाजीत मंडले कहते हैं कि KBC की पहली कमाई जो 5 दिनों की होती है, तो यह उनके चेहरे का एक्सप्रेशन लोगों को नम कर देता है। अमिताभ बच्चन भी उनसे बातचीत करते हैं और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अमिताभ बच्चन ने KBC के मंच पर ही खुद अपने हाथों से पान बनाकर द्वारिकाजीत मंडले को खिलाया। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने हाथों से पान तैयार करते हैं। पान के पत्ते में वह कत्था लगाते हैं, गुलकंद मिलाते हैं और बाकी जो मसाला होता है वह मिलाते हैं और फिर अपने हाथों से उसे मोड़कर पान का बीड़ा बनाते हैं और उस पान के बीड़े को द्वारिकाजीत मंडले को खुद उनके मुंह में रखकर खिलाते हैं। दोस्तों, यह देखकर द्वारिकाजीत मंडले यह भी कहते हैं कि आपने जो इस्तेमाल किया है, जो पान मुझे खिलाया है, इस फ्लेवर का पान मैं अपने दुकान पर जाकर बनाऊंगा और उसे बच्चन पान नाम दूंगा और इसे बच्चन पान के नाम से ही बेचूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यह भी बता दें कि द्वारिकाजीत मंडले 13वें सवाल पर पहुंच गए हैं। 13वां सवाल 25 लाख रुपये के लिए होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब द्वारिकाजीत मंडले नहीं दे पाते और वह गेम से क्विट कर जाते हैं। इस तरह से द्वारिकाजीत मंडले KBC से 12.5 लाख रुपये जीत कर जाते हैं। दोस्तों, 12.5 लाख रुपये जीतने जो रकम वह जीतते हैं, अमिताभ बच्चन बताते हैं कि इतनी रकम कमाने में उन्हें 18 साल लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कैलकुलेट करके बताते हैं कि 18 साल में वह 12.5 लाख रुपये कमा पाते और इस तरह से 1 घंटे में ही अपने 18 साल की कमाई द्वारिकाजीत मंडले KBC के मंच से कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के पास जरूर शेयर करें, रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।